आँख में जैसे कोई बारीक से बारीक चीज गिर जाती है ना, आँख में कोई बारीक से बारीक चीज गिर जाएगी तो आँख में प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कितनी बारीक हो। ऐसी मसला गाड़ी का, अगर गाड़ी में कोई भी जरा सी भी दिक्कत है ना तो गाड़ी में चलाने में मज़ा नहीं आता, पूरी गाड़ी का स्वाद खराब हो जाता। तो एक बटरफ्लाई मैंने इसमें चेंज करी है, उसके बाद स्टार्टिंग और चलाने में इतना मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हेलो दोस्तों, स्वागत है अमन बाइक पॉइंट में। हमारे पास ये थंडरबर्ड बुलेट आई है 350 और इसमें दिक्कत है मिसिंग की। ये गाड़ी मिसिंग कर रही है और अभी कुछ दिन पहले ही इसकी सर्विस हुई है। दोनों प्लग चेंज हुए हैं, एयर फिल्टर चेंज हुआ है। उसके मिसिंग सर्विस से पहले भी मिसिंग की प्रॉब्लम थी और अब भी है। तो मैं पहले सबसे पहले आपको इसकी मिसिंग चेक कराता हूँ, दिखाता हूँ स्टार्ट करके ऐसी दिक्कत है, उसके बाद फिर दिक्कत देखते हैं कहाँ है। स्टार्ट करते हैं इसे। तो स्टार्टिंग बढ़िया हो रही है, एक में स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, लेकिन अभी है मिसिंग। तो हमने गाड़ी बंद कर दी है दोस्तों, और मैंने ये एयर फिल्टर का ढक्कन इसलिए हटा के स्टार्ट करी है गाड़ी। कई बार एयर फिल्टर लोकल हो या चोक हो जाता है तो मिसिंग करने लगती है गाड़ी से भी। तो यहाँ से एयर फिल्टर का ढक्कन खोलने के बाद भी ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आई। अब मैं सबसे पहले आपको उसको करंट चेक कराता हूँ और उसके बाद उसकी कार्रवाई करते हैं आगे की। चलो स्टार्ट करो, किक मारो ज़रा, स्विच ऑन करो ऊपर से, अब मारो। तो यहाँ पे करंट भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है गाड़ी का लगभग, और इसमें किसी और को भी इन्होंने दिखाई थी कस्टमर ने, तो इसमें उसने प्लग भी बदल दिया है। हालांकि ये प्लग लोकल लगा हुआ है, ओरिजिनल लगाया था तब भी मिसिंग थी। तो मिसिंग देखते हैं इसमें कहाँ है, करंट की प्रॉब्लम है नहीं बिल्कुल, एयर फिल्टर की प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा इसमें करंट की भी कोई समस्या नहीं है, एयर फिल्टर की भी समस्या नहीं है। तो इसमें समस्या क्या है और कहाँ पे है वो देखते हैं। मुझे समस्या इसके कार्बोरेटर में लग रही है, तो एक बार मैं कार्बोरेटर खोल लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ पे समस्या है और किस चीज़ से दिक्कत हो रही थी गाड़ी। तो हम कार्बोरेटर खोल लेते हैं, उसके बाद दिखा रहे डिस्कनेक्ट कर लेंगे पहले यहाँ से। निकालो, बाहर निकालो इसे। पेट्रोल से नहीं धोनी और पेट्रोल में रखनी भी नहीं, जैसे ट्रे में डाल देते हैं। हालांकि ये भी मिसिंग का बहुत बड़ा कारण लग रहा है, ये कटी हुई है इस कारण ये मिसिंग कर रही है। और ये पेट्रोल से दूर रखनी नहीं, ये रबड़ ख़राब हो जाएगी। तो कार्बोरेटर की सफाई हो गई है दोस्तों, अब हम इसे फिट कर रहे हैं। और एक बात और बतानी थी जो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा जल्दी में था। तो हमने जो इसकी बटरफ्लाई कट रही थी, हमने इस कार्बोरेटर में से दूसरी लगाई है, वो ये है पल्सर का कार्बोरेटर, बजाज पल्सर का ये कार्बोरेटर है। मैं सेकंड हैंड मेरे पास पड़ा हुआ था एक, तो मैंने इसकी बटरफ्लाई लगाई है इसमें। बस अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। माफ़ी चाहूँगा, वो उसकी मैं वीडियो बनानी भूल गया क्या, वो जल्दी में था मैं असल में, और भी काम था इसलिए मैंने वो लगा दी है। बाकी मैं स्टार्ट करके बता देता हूँ आपको समस्या हल हुई है या नहीं हुई है। तो अभी स्टार्ट करने का वक्त आ गया, फिल्टर बॉक्स भी लगा दे, इसे लगा दो फिर स्टार्ट करो। इसमें पेडल पाइप लगा दिया ना, ठीक हाँ लगा दिया। अब इसे लगाओ फिर स्टार्ट करते हैं।
यहीं से स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो मिसिंग इसमें है नहीं मेरे हिसाब से। एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करो, बिल्कुल तसल्ली से हमें चेक करनी है और बताना भी तसल्ली से ही है। एक सेकंड, दोबारा स्टार्ट करो। फिर दोबारा करो, पहले इसकी स्टार्टिंग में भी दिक्कत थी, बहुत सारे किक माननी पड़ रही थी, बहुत सारे सेल। तो दोस्तों मिसिंग बिल्कुल इसकी ख़त्म हो गई है। एक प्रॉब्लम आ रही थी इसमें मिसिंग की, जब इसमें मिसिंग आ रही थी तो यहाँ से ये कार्बोरेटर भी फुट फुट कर रहा था, हल्का सा आगे पीछे हो रहा था। चाहे कितना यहाँ से क्लिप टाइट कर लो, लेकिन उसके बाद भी इसमें दिक्कत थी, पुट पुट करके मिसिंग थी इसमें। और ये कार्बोरेटर भी यहाँ से हो रहा था, मैंने जैसे आपको दिखाया था फिल्टर भी, तो फिल्टर वगैरह मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है सब कुछ, अब इसमें कोई मिसिंग नहीं है। चलिए अब गाड़ी को बंद कर देते हैं। है? दोबारा स्टार्ट करो, हल्का सा डाउट सा लगा, फिर दोबारा करना। फिर स्टार्ट करो, बस मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से प्रॉब्लम शूट आउट हो जाए, तसल्ली हमारी भी हो जाए और कस्टमर की भी, और वीडियो देखने वालों की भी तसल्ली हो जाए। तो गाड़ी को बंद कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो दोस्तों यह है पल्सर का कार्बोरेटर और बुलेट का कार्बोरेटर जो है वो लगभग सेम होता है। तो मैंने इसकी इसमें वो लगाई है बटरफ्लाई, लेकिन इसकी भी कटी हुई थी, लेकिन इतनी कटी हुई नहीं थी जितनी इसकी कटी हुई थी, तो मैंने इसमें लगा के इसकी इसमें डाल दी उसकी उसमें, तो उससे मिसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और एयर फिल्टर वगैरह, प्लग वगैरह, किसी भी चीज़ को छेड़ने की कोई नहीं हुआ, ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ सफाई से भी इसमें मिसिंग पे बहुत फ़र्क पड़ा है, और कुछ मैंने वो दूसरी लगा दी, वो उसे बटरफ्लाई को जब भी लगाएं उस पर हल्का सा तेल लगा लें मोबिल ऑयल, उससे बहुत फ़ायदा होता है, RPM कम बढ़ती भी नहीं होती उससे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, ये जानकारी थी छोटी सी जो आपको देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।